बिहार स्टेटी में अगर आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इस वीडियो में दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी की जो कंडीशन है, मतलब 5055 सीट पर अलग अलग कैटेगरी में कुल कितने लोग क्वालिफाई हैं। उसके बाद हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि मान लीजिए कि 8000 वैकेंसी कर देती है सरकार, तकरीबन 3000 वैकेंसी बढ़ जाती है, 5000 से 8000 हो जाती है। वैसी कंडीशन में अलग अलग कैटेगरी में कुल कितने लोग क्वालिफाई हैं और 8000 सीट आ जाने पर अलग अलग कैटेगरी में कुल कितनी सीटें आ जाएंगी। मतलब सीट बढ़ने पर भी हो सकता है कुछ कैटेगरी में कंपटीशन बेहद घट जाए और कुछ कैटेगरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े 8000 सीट होने पर भी। और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा सेफ स्कोर। अगर सोशल साइंस में आप उस सेफ स्कोर तक पहुँच चुके हैं 60-40 के फॉर्मूले के हिसाब से, तो आप अपनी जॉब को पक्का समझिए। तो क्या है वो सेफ स्कोर, तो वन बाय वन इन तीनों पॉइंट्स पर चलते हैं। सबसे शुरुआत है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी की मौजूदा कंडीशन, आपके स्क्रीन पर अभी देखिए। जब 5055 सीट की बात होती है, जब टोटल नोटिफाइड वैकेंसी जो नोटिफिकेशन में थी अगर उसकी बात करेंगे, तो अभी कंडीशन देखिए, टोटल क्वालिफाई कितने हुए हैं, 26000 प्लस लोग क्वालिफाई हो गए हैं। और 5055 सीट में सबसे लेफ्ट साइड में कैटेगरी, उसके बाद नोटिफिकेशन में 5055 में किस कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसी, और सबसे दाहिनी साइड पर उसी कैटेगरी के अंदर जिसका लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, उसी कैटेगरी के अंदर कुल कितने लोग क्वालिफाई हैं। जैसे 5055 सीट पर जनरल कैटेगरी की सीटें बन रही थी 2022, 40% सीटें होती हैं, पहले 50% होती थी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आने के बाद। 40% सीट ओपन कैटेगरी, जिसको आप जनरल कैटेगरी भी लोग बोलते हैं, तो 2022 इस ओपन कैटेगरी में क्वालिफाई कितने हैं, 3209। पर यहाँ पर एक गड़बड़ है, ओपन कैटेगरी में कोई भी आ सकता है, कोई बीसी वाला, ईबीसी वाला, एससी वाला, कोई भी आ सकता है। बस शर्त उसकी यही है कि वो एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा नहीं ले रहा है। अगर कोई कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा ले रहा है, तो फिर वो अपनी कैटेगरी के अंदर ही फाइट करेगा, अपनी कैटेगरी के अंदर ही कॉम्पिटिशन में रहेगा। अगर उसकी एज लिमिट 37 से नीचे है, बाकी सभी एग्जामिनेशन में टीचर में तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रखा है, 10 साल का छूट है, तो अगर आप 47 तक हैं, तो फिर तो आप जनरल कैटेगरी के लिए कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, उस सीट पर आप भी फाइट कर रहे हैं। तो 3209 टोटल क्वालिफाइड ऐसे दिख रहा है, पर असल में मेरे हिसाब से तो यही मानिए कि 26000 लोग 2022 सीट पर एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे, जो जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता, ना कोई कैटेगरी का रिजर्वेशन, ना कोई जेंडर का रिजर्वेशन, ये ओपन सीट है। आगे देखिए, 505 सीट आता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हिस्से, जो कि 10% रिजर्वेशन के हिसाब से लोग कितने क्वालिफाई कर गए हैं, 2704। बीसी कैटेगरी में 606 सीट आता है, 12% रिजर्वेशन है बीसी का, पर लोग कितने क्वालिफाई कर गए हैं, 10614। 26000 क्वालिफाइड लोगों में से 10000 लोग एक ही कैटेगरी के हैं। मेरी बात पर ध्यान दीजिए कि 26000 में से 10000 बस एक ही कैटेगरी है, वो बीसी। आज के टाइम पे रियलिटी ये है कि जनरल कोई भी नहीं है। जो लोग, हालांकि ईडब्ल्यूएस के लिए बड़ा स्ट्रिक्ट उसके अंदर कंडीशन है, आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसके अंदर माँ बाप की भी, जो आपकी इनकम है, प्रॉपर्टी है, सब काउंट होता है, लेकिन फिर भी लोग बनाए जा रहे हैं। जिसका शहर में मकान है, वो जो उसमें कंडीशन दे रखा है, वो सबको फुलफ़िल करते हैं, उसके बावजूद भी लोग ईडब्ल्यूएस का बनाए जा रहे हैं। एनसीएल में भी ऐसा होता ही होगा। तो कहने का मतलब है, जनरल कोई नहीं बचा आज के टाइम पे, सब कोई कोई ना कोई कैटेगरी में है, बस सभी कैटेगरी के कुछ ऐसे लोग जिनका स्कोर ज़्यादा होगा वो जनरल में समाहित हो जाएंगे, बस बात इतनी सी है। लेकिन अगर कैटेगरी, अगर जो रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उन सब में अगर बात करेंगे, तो बीसी कैटेगरी सिंगल लार्जेस्ट कैटेगरी है, सिर्फ सोशल साइंस में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक एग्जामिनेशन में, हर एक कंपटीशन में, हर जगह यही हाल है। तो बीसी का आपने देख लिया 10614, ईबीसी का 910 लोग इसके अंदर, सॉरी 910 वैकेंसी पर 6683 लोग, एससी में 809 वैकेंसी पर 2728 लोग, एससी का रिजर्वेशन है 16%, ईबीसी का रिजर्वेशन है 18% और बीसी का रिजर्वेशन है 12। जो ओबीसी रिजर्वेशन है, जो बैकवर्ड कास्ट का रिजर्वेशन है, वो बिहार में 30% है। ऐसी चर्चाएं हैं कि जातिगत जो अभी जनगणना हो रही है उसके बाद ये 30% का जो लिमिट है, इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये चीज़ को इस पर दावा किया गया है।
अभी होता है नहीं होता है तो वक्त बताएगा, और जनगणना होना ये सब बहुत आगे की बात है, सातवां फेज उससे पहले निकल जाएगा ज़रूर, लेकिन ये सब चीज़ फ्यूचर के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो बीसी और ईबीसी में बहुत भारी भीड़ है, इन दोनों को अगर मिला दें, बीसी और ईबीसी कैटेगरी को अगर आप मिला देंगे तो किसी भी कॉम्पिटिशन, किसी भी आप एग्जामिनेशन में आप देख लीजिए, 65-70% लोग बस यही दो कैटेगरी, 65-70% लोग आपको इसी दो का मिले, बाकी जितने भी और कैटेगरी वाले हैं सब वो 30-35% में समाहित हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन जो है वो इधर ही है। खैर एसटी का देखिए, 51 टोटल वैकेंसी थी और 283 लोग क्वालिफाई कर गए, और एससी में 809 वैकेंसी पर 2728 लोग क्वालिफाई कर गए। अब ये था 5000 सीट की बात, अब अगर गवर्नमेंट थोड़ा दरिया दिली दिखाए और सीट बढ़ा दे, 8000 सीट कर दे, सीट बढ़ेगा, एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ाया ही जाता है, तो सीट तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 8000 सीट मानते हैं हम लोग, 8000 सीट आती है तो 3200 वैकेंसी हो जाएगी जनरल में 40% के हिसाब से, और क्वालिफाई कितने हैं, 3209 हैं। ऐसा दिखने में पहली नज़र में तो ऐसा लगेगा कि 3200 सीट भी है और 3200 लोग क्वालिफाई भी कर रहे हैं तो बहुत आसान है, लेकिन फिर वही मामला है कि बाकी EWs, BC वाले, EBC वाले, SC वाले, ST वाले, जो भी एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा नहीं लेंगे, वो सब के सब 3200 सीट के लिए एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि वो तो ओपन कैटेगरी है, बस स्कोर अच्छा होना चाहिए। आगे देखिए, EWS में 800 सीट हो जाएगा, अगर 8000 सीट आया तो 10% का 800 हिसाब से 800 सीट हो जाएगा, और को लोग कितने हो जाएंगे, 2704। BC कैटेगरी में 8000 सीट आने की स्थिति में 960 सीट हो जाएगा, और लोग कितने हैं, 10614, तकरीबन 10% की नौकरी होगी BC कैटेगरी में, इस बात पर ध्यान दीजिए। और थोड़ा बहुत लोग अगर जनरल में चले भी गए तो आप मान लीजिए कि हार्डली 15-16%, मतलब 20% के नीचे ही रह जाएगा फिर भी मामला। तो ये तो कंडीशन है BC कैटेगरी की। EBC कैटेगरी का देखिए, 1440 वैकेंसी आएगी 6683 लोगों के लिए, अगर 8000 सीट होती है तब। SC का 1280 सीट आएगा, 2728 लोगों के बीच इस पर कॉम्पिटिशन होगा 1280 वैकेंसी के लिए। ST का जो है वो 80 सीट आएगा, और लोग कितने हैं, 283। पर ST का एक यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है वो लोहार कास्ट वाला इशू, लोग उस टाइम पर क्वालिफाई कर गए थे ST कैटेगरी में ज़्यादा, फिर ये लोग निकल के जाएंगे EBC में तो कुछ थोड़ा सा ये लोग भीड़ बढ़ा देंगे, 100-150 उधर बढ़ जाएगा, और ST कैटेगरी से 100-150 की भीड़ घट जाएगी। तो ये तो आपने देख लिया कि 8000 सीट होने पर क्या कंडीशन होगी, और जो भी रिजर्वेशन है उसी हिसाब से मैंने आपको क्लासिफाई करके बताया है। अब सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। देखिए अभी कट ऑफ क्या है, जब एग्ज़ाम के 60-40 पर ही बताऊंगा मैं, एग्जामिनेशन के नंबर के हिसाब से कट ऑफ क्या है, 111 जनरल का, ओपन कैटेगरी का, और BC मेल का क्या कट ऑफ है, 106.73 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। BC ओपन कैटेगरी है ये, इसमें लड़कियाँ भी आ सकती हैं, पर जो लड़कियों के 38% सीट है उधर लड़के नहीं जाएंगे, हालांकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जा सकते हैं लेकिन लड़कियां जब अवेलेबल रहती हैं तब फिर कहां से मौका मिलेगा। तो 106.73 है अभी BC का कट ऑफ, BC मेल, BC ओपन कैटेगरी कह लीजिए, और ये तकरीबन 70-71% बनता है, परसेंटेज वाइज देखेंगे 150 में से तो 70-71% बनता है। एकेडमिक का सर्वे मैंने आप लोगों को पहले दिखाया है, 2200-2300 एंट्री था उस सर्वे में, पीछे का वीडियो जाकर के देखिए, और 2200-2300 लोगों के सर्वे में एकेडमिक का औसत कितना आ रहा था, 65, लेकिन उसमें गड़बड़ था, गड़बड़ ये कि उसमें सिर्फ मैंने ग्रेजुएशन और बीएड का मार्क्स लेके सर्वे किया था। एक बार ये 60-40 आ जाए फिर मैं नया सर्वे क्रिएट कर दूंगा और उसमें आप लोगों को देखने को अंदाज़ा हो जाएगा, 2000 लोग अगर सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उससे एक अंदाज़ा तो डेफिनेटली हो ही जाता है। 2000-2500 का सैंपल सर्वे में अगर औसत BA प्लस BEd बाई 2 करके 65 आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि ये चीज़ आगे भी सस्टेन हो जाएगा, 1-2% के ऊपर नीचे होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इसी तरह से आगे भी कंटिन्यू हो जाएगा जब सभी लोगों का मार्क्स आप कंसीडर करेंगे तब। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, ख़बरों के मुताबिक मैट्रिक और इंटर भी बीच में आ रहा है। अब मैट्रिक इंटर आने की वजह से क्या होगा, जो पुराने कैंडिडेट हैं जो आज से 8-10 साल पहले 12-15 साल पहले के जो लोग मैट्रिक इंटर पास हैं उनका तो स्कोर कम होगा बिहार बोर्ड वालों का, और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ उस टाइम पे जब STT 2011-12 हुआ था तब CBSE बोर्ड के पास आउट कैंडिडेट का कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, बिल्कुल सही बात है कि 2-3% लोग हार्डली,
लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आप मान के चलिए कि 10-20% लोग होंगे सीबीएसई का। अब इसका कोई एग्जैक्ट डेटा मेरे पास ना है, ना ही कोई सर्वे है। एक बार ये नियमावली आ जाए, अभी लोग भी थोड़ा कम एक्टिव हैं, तो सर्वे अगर मैं करूँगा अभी तो लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं आएगा। तो एक बार थोड़ा लोग एक्टिव हो जाएँ, एटलीस्ट नियमावली आ जाए, कोई बहाली की शुरुआत होती हुई दिखे, तो फिर मैं सर्वे करता हूँ। फिर मैं सर्वे के हिसाब से बोला 26,000 में से अगर 10,000 लोगों की भी जॉब हो गई, ये बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि 8-9 हज़ार तक जा सकता है मामला, लेकिन 10,000 की भी अगर जॉब हो गई, कहने का मतलब है कि 50% भी तो जॉब नहीं हो रहा है। जॉब हो कितना रहा है, तकरीबन आप मान लीजिए 35-40% लोगों का जॉब हो रहा है तकरीबन, जो अगर सीट बढ़ाएगी गवर्नमेंट तब। तो आपको 35-40% लोगों का अगर जॉब हो रहा है, तो आपको औसत के ऊपर रहना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को कह सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं। तो 65 का मैंने एकेडमिक का एवरेज बता दिया। अब देखिए उन दोनों को मिला करके जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनेगा। 70% एग्ज़ाम के नंबर पे, तो 70 को मैंने 0.6 से मल्टीप्लाई किया, 60% कॉन्ट्रीब्यूशन है, 42 आ गया। एकेडमिक कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए 0.4 से मल्टीप्लाई किया, 65 को, जो कि 26 आ गया। ये एक रफ आइडिया है। अब ज़रूरी नहीं है कि जिसका एकेडमिक स्कोर अच्छा है उसका एसटीटी स्कोर भी अच्छा होगा, या जिसका एसटीटी स्कोर है उसका एकेडमिक स्कोर भी अच्छा होगा। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। जब आप इसको ठीक से चेक करेंगे तो जो मैं बता रहा हूँ उसके नीचे जाएगा पर ऊपर नहीं जाएगा। पर मैं इस वीडियो में आपको कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सेफ जोन बता रहा हूँ कि कम से कम आपका इतना नंबर है और आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आप मान के चलिए कि आपकी जॉब पक्की है। देखिए 68 नंबर, अगर आपका मेरिट मार्क्स, एसटीटी मार्क्स और एकेडमिक मार्क्स को मिला के 68 तक बन रहा है या 68 प्लस बन रहा है, ये जनरल मेल की बात कर रहा हूँ मैं, ईबीसी मेल और एससी मेल और लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर तो बहुत नीचे चला जाएगा, इससे काफ़ी नीचे चला जाएगा। और हर एक कैटेगरी का भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सर्वे है मेरे पास, लेकिन लोग थोड़े एक्टिव हो जाएँ और नियमावली आ जाए, उसके बाद इसको पुरजोर तरीके से इस पर काम करेंगे। लेकिन अभी के लिए कैलकुलेशन यही कहता है कि अगर आप 68 तक स्कोर कर रहे हैं, 60% एग्ज़ाम का नंबर और 40% आपका एकेडमिक ले करके, तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी जॉब पक्की है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी में बोल रहा हूँ। अगर आप जनरल मेल हैं या बीसी मेल जैसे हाई कंपटीशन वाले कैटेगरी में, तब भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 68 या 68 प्लस पहुँचा दिया आपने, तो आपकी जॉब पक्की है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के रहिए, देर सवेर जब भी जॉब हो, 3 महीने में 4 महीने में 6 महीने में जब भी जॉब होती है, आपकी एक सीट पक्की है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे इसी तरह से कोई भी अपडेट आता है तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।